महीनों तक चलने वाली चेहरे को गोरा स्मूथ सॉफ्ट बनाने की होममेड क्रीम आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इस क्रीम को बनाना बहुत सिंपल है और जिसके लिए मैंने लिया है एक बॉल के अंदर 2 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर। और ड्राई मिल्क पाउडर आपकी त्वचा को सुंदर स्मूथ और ब्यूटीफुल बना देता है। उसके बाद गाइस मैं ले रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा तो आप सभी जानते हैं स्किन को स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट और यंग बनाने के लिए, रिंकल्स को दूर करने के लिए और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में कितना ज्यादा हेल्प करता है। मैंने यहाँ पर ये नेचुरल का पपाया जेल लिया है, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। 2 चम्मच मैंने लिया एलोवेरा जेल। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। नाउ गाइज आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और कुछ इस तरह से ये आपको दिखेगा। इस क्रीम को ना सिर्फ आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हो बल्कि हाथों पर भी यूज कर सकते हो ड्राइनेस को खत्म करने के लिए। सो गाइज मेरा फाइनल इंग्रेडिएंट जो कि है एक आयुर्वेदिक क्रीम, और इस क्रीम की जगह आप कोई भी क्रीम ले सकते हो जो कि आप डेली बेसिस पर यूज करते हो, बट वो क्रीम नेचुरल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप इसकी जगह पॉन्ड्स या फिर कोई भी और क्रीम भी ले सकते हो। मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैं ये एक आयुर्वेदिक क्रीम, और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच ही क्रीम के और इसको अच्छी तरह से हम फिर से मिक्स कर लेंगे। इस क्रीम को इतना मिक्स कीजिए जिससे कि ये अच्छे से सभी चीजों में मिक्स हो जाए और क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो अब ये क्रीम अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। गाइस इसको आप ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर रखिएगा, बट फ्रिज के अंदर स्टोर करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और डेली आप इसको यूज कर सकते हो, अपने फेस पर, अपने हाथों पर, पैरों पर भी लगा सकते हो। अगर कहीं कट्स, ईच वगैरह होता है तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही नेचुरल क्रीम है जो कि आपकी त्वचा से डार्क स्पॉट्स को हटाएगी, स्किन को काफी स्मूथ, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग बनाएगी। इस होममेड क्रीम को घर पर जरूर बनाइए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।